जिस समय लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुना, सीता कहने लगी, लक्ष्मण खुद भी छत्री होकर रोते, छत्राणी को भी रुला रहे। खुद भी छत्री होकर रोते, छत्राणी को भी रुला रहे। ये बात बात को बढ़ा रहे, इतनी व्याकुलता दिखा रहे। मैं आज्ञाकारिणी कहलाकर अब तक आज्ञा की भूखी थी, अब तक आज्ञा की भूखी थी। बड़ भाजन हूँ इस आज्ञा से, खिल गई कली जो सूखी थी। वारे भारतीय नारी अपने को कष्ट देकर के अपने पति को कष्ट नहीं देना चाहती। क्या बोली सीता? हे विधना, तू जो सच्चा है तो सांच नहीं जाने पाए। हे विधना, तू जो सच्चा है तो सांच नहीं जाने पावे। वे शासन करे कुशलता से, उनको न आंच आने पाए। भैया लक्ष्मण देवर सानंद लौट जाओ, प्रभु से प्रणाम कहना मेरा। देवर सानंद लौट जाओ, प्रभु से प्रणाम कहना मेरा। साथ ही साथ इतना संदेश उन चरणों में रखना मेरा। भैया लक्ष्मण मेरा इतना संदेश प्रभु से कह देना, अब धेसर का कुछ दोष नहीं, बे इस लीला में बेबस है। अब धेसर का कुछ दोष नहीं, बे इस लीला में बेबस है। सीता सब जगे उन्हीं की है, वे ही सीता के सर्वस्व है। यह सुनते ही उठे तो बे छोटे रघुराय, फिर बोले किसका अवध, कौन अवध को जाए। खड़े हो गए, कहने लगे माँ कैसा अवध, किसकी अयोध्या? 14 वर्षों तक साथ रहा, जैसे भाई की सेवा, वैसे ही फिर भी हूँ तत्पर अपनी माता की रक्षा में। रघुनाथ अवध का राज करे, मैं नहीं आज वहां जाऊंगा, इन चरणों ही की सेवा में जीवन संपूर्ण बिताऊंगा।
अयोध्या नहीं जाऊंगा, मैं तेरे चरणों की सेवा करूंगा। सीता फिर कहने लगी, अनुचित है ये बात, उचित यही सब भांति है, कौशल जाओ तात। भैया लक्ष्मण तुम अयोध्या लौट जाओ। भैया लक्ष्मण, बच्चा बच्चा भूमंडल का गुणगान तुम्हारा करे लखन, रघुकुल नायक ही के समान। आशीर्वाद देने लगी भैया लक्ष्मण, रघुकुल नायक ही के समान, सम्मान तुम्हारा करे लखन। आदर्श गुणों के हो देवर, तुम में अथाह भंडार रहे, तुम सच्चे भाई भक्त रहो, भाई का तुम पर प्यार रहे। इस प्रकार आशीष दे, माता उठी तुरंत, विदा किया श्री लखन को समझा कर अत्यंत। हाँ का तो रथ लखन ने, किंतु न हाँ का जाए, शक्तिहीन घोड़े हुए पाँव न उठते हाय। लक्ष्मण ने रथ को हाँ का, परंतु रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। आगे बढ़ाते हैं लेकिन घोड़े पीछे हटते हैं। जब शपथ राम की दी उनको घोड़ों को, जब शपथ राम की दी उनको, तब ठीक राम के भक्त हुए। जब शपथ राम की दी उनको, तब ठीक राम के भक्त हुए। इस भक्ति भाव पर घोड़ों के लक्ष्मण भी तुरंत सशक्त हुए। जैसे ही घोड़ों को राम की सौगंध दी, घोड़े आगे बढ़ गए, तब लक्ष्मण को भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे तैसे आ गए अवध सुमित्रा लाल, रथ तज भाई के निकट पहुंच गए तत्काल। देखा लेते हुए हैं रघुराई रघुबीर, बहा रहे हैं बेतरह नैन नेह का नीर। प्रभु को जाकर के देखा, रो रहे हैं बड़े प्रभु। जो ही लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ी, चौंके फिर बोले सिया कहां। जैसे ही लक्ष्मण को देखा, कहने लगे, चौंक पड़े, लक्ष्मण सीता कहां। जो ही लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ी, चौंके फिर बोले सिया कहां। जिसके विराग में प्राण दुखी, जिसके विराग में, अरे जिसके विराग में प्राण दुखी, वही प्राणों की प्रिया कहां। समले अपने को संभाला, अरे मैं क्या कहेगा। फिर समले कहा, छोड़ आए जो हुआ उचित था होना। भगवान
जान कहने लगे छोड़ा लक्ष्मण ठीक रहा यही उचित था। लखन भ्रात तुम सखा तुम प्रिय तुम हृदयेश, आज हृदय की कहेगा तुमसे ये है अवधेश। रो रो के प्रभु भैया लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण आज मैं तुमको अपने हृदय की बात बतलाया। दो फूल एक डाली पर थे, कुछ खुले हुए कुछ खिले हुए। तेरे निष्ठुर हाथों से जो थे आपस में मिले हुए। धोखे ने एक वायु ही के कर डाले तितर बितर दोनों, पथ ढूंढ रहे अपना अपना, पथ ढूंढ रहे अपना अपना, हो कर इधर उधर दोनों। रोने लगे प्रभु, रो रहे हैं लक्ष्मण। धैर्य बंधाया, इधर बंधाई लखन ने जो तो प्रभु को धीर, उधर सिया के हृदय में उठी विरह की पीर। इधर लक्ष्मण ने प्रभु को धैर्य बंधाया और उधर सीता जंगल में बड़ी ही अचेत है। उस समय की हालत वर्णन करते नहीं बनती है भक्तों, जरा विचार करें। बगैर पति के पत्नी का हाल क्या होता है। सीता अधीर होकर के जब चेतना में आती है फिर सोचने लगी, क्या हरि जंगल की याद आई, मैंने आज स्वयं अपमान लखन का कर डाला, उस वन में मरम बचन कह कर। बार बार सोचती हैं सीता, आज जब होश आया लक्ष्मण के कार्यों को देखा तो जंगल की याद आ गई, सोचने लगी मैंने अपने बेटे को जंगल में कुछ ऐसे कटु शब्द कहे थे। अपमान लखन का कर डाला, उस वन में मर्म वचन कहे कर, खुद भी स्वामी की विरह सही, खुद भी स्वामी का विरह सहा, रावण की लंका में रह कर। मेरे ही कारण प्राणनाथ बेचैन रहे कितने ही दिन, बेचैन रहे कितने ही दिन, मेरे ही कारण सोनित के, मेरे ही कारण सोनित के दरियाओ बहे कितने ही दिन। सोच रही है जानकी, पुरानी बातें याद आ रही हैं दुख में। इतने पर भी ग्रह चक्कर ने सुख से न मुझे बिछलाया है, इतने पर भी ग्रह चक्कर ने सुख से न मुझे बिछलाया है, सीमायों कर दी संकट की जो अब वन में भिजवाया है।
अपने जीवन भर में सुख चैन देखा भाला हो, सुख चैन ने सुख चैन देखा भाला हो। मांगलिक समय में स्वामी ने, मांगलिक समय में स्वामी ने महलों से जिसे निकाला हो। ऐसी दुखियारी नारी को हे वृक्षो कहाँ निहारा है, हे वृक्षो कहाँ निहारा है, कितने कष्टों की मारी को, इतने कष्टों की मारी को बन जीवों कहीं निहारा है। बगैर पति के स्त्री की क्या हालत है, एक लाइन को सुने। सारे सुख संसार दिखाए, सारे सुख संसार दिखाए, सजनी सुखी सजन बिन ना, सारे सुख संसार दिखाए, सारे सुख संसार दिखाए, सजनी सुखी सजन बिन नाए। बादल गरज गरज घिर आछाए, बादल गरज गरज घिर छाए, खेती हारी धरन बिन ना, पक्षी पिंजड़े में अकुलाए, पक्षी पिंजड़े में अकुलाए, सच्ची मौज गगन बिन ना, पक्षी पिंजड़े में अकुलाए, सच्ची मौज गगन बिन ना। पक्षी पिंजरे में अकुलाए, पक्षी पिंजरे में अकुलाए, सच्ची मौज गगन बिन नाए, सारे सुख संसार दिखाए, सजनी सुखी सजन बिन नाए। जीवन धन बस जीवन धन से, जीवन धन बस जीवन धन से, जीवन जीवन धन बिन नाए, जीवन जीवन धन बिन नाए, सारे सुख संसार दिखाए, सजनी सुखी सजन बिन नाए। सार के सारे सुख लाकर के रख दिए जाए, परंतु पत्नी के लिए बगैर पति के उसका सारा संसार सूना है। इन्हीं विचारों में हुई जब अत्यंत अधीर, आत्मघात करने चली तब गंगा के तीर। नाना प्रकार से सोचती हुई जानकी, अनेक प्रकार से हृदय में भाव बने, आत्मघात करने के लिए गंगा में डूबने चल पड़ी। जैसे ही तैयारी की कूदने की, हुई कूदने को जब ही उस जल में तैयार,
पीछे से तब कान में आई एक पुकार। जैसे कूदने को चली जानकी एक आवाज आई, सावधानी इस भांति तुम करो न निज अवशान, आत्मघात से है नहीं कोई पाप महान। आवाज आई, आत्मघात मत करो, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। सीता ठहरी पीछे मुड़कर, देखा कोई मुनि आते हैं। सीता ठहरी पीछे मुड़कर, देखा कोई मुनि आते हैं। जो नाव डूबती हो उसको, जो नाव डूबती हो उसको मांझी ही पार लगाते हैं। कौन थे वे भक्तो? बे आने वाले नए नहीं, पहले के परिचित योगी थे। विख्यात आदि कवि भारत के, विख्यात आदि कवि भारत के ऋषिवर श्री वाल्मीकि जी थे। एकदम ध्यान किया, किसने त्यागा? राम ने। पीछे हटे लेकिन अपने धैर्य से देखा, क्यों? अरे, कहने लगे, बेटी तुम तो विदेह की पुत्री हो, यूं चिंता करना लाजा है। तुम तो विदेह की पुत्री हो, यूं चिंता करना लज्जा है। मुझे अपयश का भाजन बन, इस प्रकार मरना लज्जा है। ऋषिवर कहने लगे, बेटी मरना, आत्मघात करना बहुत पाप है, अनुचित है। फिर भी कहता हूं, तुम खोटी बात कर रही हो। अनुचित है फिर भी कहता हूं, तुम खोटी बात कर रही हो। जो गर्भवती हो कर बेटी, जो गर्भवती हो कर बेटी, जल में अपघात कर रही हो। जाग उठी श्री जानकी सुनकर ऐसे बयन, फिर बोली मुनिराज से कर कुछ नीचे ने। स्वामी, बैदेही ठौर चाहती थी रघुकुल की लाज बचाने को। बैदेही ठौर चाहती थी रघुकुल की लाज बचाने को। जीवन ही में दूसरी बार फिर पतिव्रत ये दिखलाने को। इतने में बहने लगा दुखी नयन से नीर, देख न सके दयालु मुनि तप्त हृदय की पीर। सोचा इस संसार की है अलवेली चाल, कोई कहे बहाल है कोई है बेहाल। बड़ी बात उल्टी दिखलाई रही है। इन्हीं विचारों में रहे कुछ क्षण मुनि लवलीन, फिर सीता जी से कहा, क्यों होती हो दीन? बेटी
तुम इस प्रकार से व्याकुल क्यों हो रही हो? सुनो, रहने को ठौर तुम्हें बेटी पत्ता पत्ता दे सकता है। रहने को ठौर तुम्हें बेटी पत्ता पत्ता दे सकता है। साक्षियों तुम्हारे सतपन की तिनका तिनका दे सकता है। बेटी, तुम्हारे लिए भला रहने का ठिकाना नहीं। सुनो बेटी, तुम्हारे सतपन के लिए सारी प्रकृति भी गवाह है। सारी प्रकृति भी गवाही दे सकती है तुम्हारे सत्य वचन के लिए। इसलिए बेटी, चिंता को छोड़ चलो आश्रम, चिंता को छोड़ चलो आश्रम, रहने को कुटी बना दूंगा। चिंता को छोड़ चलो आश्रम, रहने को कुटी बना दूंगा। महलों की शोभा मान सहित देवी, महलों की शोभा मान सहित फिर महलों में पहुंचा दूंगा। इस प्रकार सीता सहित ऋषि ने किया प्रणाम। आश्रम में होने लगा नव कुटीर निर्माण। सीता को लेकर के वाल्मीकि जी महाराज अपने आश्रम पर पहुंचे। सीता के लिए नया कुटी बनाई जाने लगी। सात्विक जीवन की सीमा पर बस इस प्रकार पहुंची सीता। सात्विक जीवन की सीमा पर बस इस प्रकार पहुंची सीता। कुछ ऋषियों की नारियों सहित उस कुटिया में ठहरी सीता। एक बात विचित्र हो गई भक्तों, मुनि ने यह चतुराई की थी, सीता का नाम छुपा डाला। मुनि ने यह चतुराई की थी, सीता का नाम छुपा डाला। है कौन कहां से आई है, हाय कौन कहां से आई है, इन बातों पर पर्दा डाला। पन देवी कहने लगे सभी, नया नाम निकला। बन देवी कहने लगे सभी, पड़ गया नाम यह सीता का। ऋषि कन्याओं का काम करे, ऋषि कन्याओं का काम करे, हो गया काम यह सीता का। श्याम रामचंद्र की। इस प्रकार से भक्तों, ये सीता वनवास की कथा कन्हैया कैसेट के माध्यम से आपने दो भागों में श्रवण करी। एक बार जयकारा लगाओ। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय।